इंडिपेंडेंस कप और सेकेंड टी ट्वेंटी आई मैच पाकिस्तान और वर्ल्ड इलेवन के दरमियान जारी है। गदाफी स्टेडियम लाहौर 174 पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्कोर किया है और देखना है कि अब वर्ल्ड इलेवन के लिए कितना टारगेट स्टिफ होगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर लेग स्पिनर एंड ग्रेट हिमसेल्फ मुश्ताक अहमद। मुश्ताक भाई, 175, व्हाट डू यू थिंक? कल हमने देखा 197 स्कोर किया पाकिस्तान ने एंड इन रिप्लाई वर्ल्ड इलेवन स्कोर 177। यू थिंक 175 इज पार स्कोर और परहैप्स पाकिस्तान ने शायद 10-15 रन कम किए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आई थिंक दे आर 15 रन शॉर्ट ऑन दैट पिच, दैट ग्राउंड। गदाफी स्टेडियम की पिच फ्लैट होती है और उनकी बैटिंग लंबी है। रिमेंबर दे गॉट स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड, द बॉलिंग उनकी वीकर है, तो आई थिंक दे आर 15 रन शॉर्ट। बट पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है मिडिल ओवर्स में अमाद वसीम की शक्ल में, शदाब की शक्ल में, दे आर द टू बॉलर्स हु कैन टेक द विकेट्स। जी जी, तो अब ये मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें देखी जाएंगे तो पाकिस्तान स्टिल आई थिंक सिटिंग ऑन गुड पोजिशन एज लॉन्ग एज दे स्टार्ट गेटिंग विकेट्स। मोहम्मद नवाज की भी इंडक्शन हुई है प्लेइंग 11 में से, दैट कैन हेल्प ऑल्सो बिकॉज तीन स्पिनर हो गए, तो इसका मतलब है तो आप जो मिडिल ओवर्स में हैं सैफी के पास ऑप्शन अच्छी आ गई के जो स्पिनर्स हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने कम बैक करवाया अपनी टीम को, तो आई थिंक ओवरऑल जो है ये नवाज के साथ इनको और स्ट्रेंथ मिलेगी मिडिल ओवर्स में। अब बैटिंग की बात करें, बाबर आजम वंस अगेन अच्छी परफॉर्मेंस रही, 45 रन स्कोर किए, अहमद शहजाद ने 43 रन बनाए, दिन शोएब मलिक अनदर कैमियो टुवर्ड्स द एंड। बैटिंग आपको सेटिस्फाई करिए पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंसी एटलीस्ट बाबर हमें दिखा रहे हैं, अहमद ने भी पहली इनिंग में स्कोर किए पहले मैच में, अब सेकेंड इनिंग्स में एक और परफॉर्मेंस। किसी भी टीम की सक्सेस के पीछे एक बड़ा ज़रूरी है कि जो फॉर्म वाला बैट्समैन होता है ना उसको वो सीरीज़ में कंटिन्यू रखना चाहिए। हमेशा आप देखें जो बड़े प्लेयर बनते हैं वो क्या करते हैं, अगर पहले मैच में उनका 50 हुआ है तो वो फिर पूरा कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, और इसी तरह टीमें जीतती हैं। तो आई थिंक अहमद शहजाद की शक्ल में और बाबर आजम की शक्ल में ये जो कंसिस्टेंसी है ना ये पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा देगी। इसमें मिडिल ओवर्स में मेरा ख्याल में थोड़े से देयर स्टिल लिटिल बिट बिहाइंड द पेस, थोड़ा सा पेस से पीछे है, अगर ये थोड़ा सा 5-6 ओवर पहले थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, शोएब मलिक, सरफराज और जो फहीम अशरफ वगैरह हैं इनको पूरा मौका मिलेगा टू फ्री द आर्म्स। आई थिंक ये थोड़ा सा बीच के ओवरों में ना थोड़ा सा आई थिंक दे हैव टू चेंज द गियर। सैमुअल बद्री की इंडक्शन, वर्ल्ड इलेवन के बॉलिंग अटैक को ज़्यादा बैलेंस उसने किया आज और आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस ही काफ़ी ज़बरदस्त रही, विकटें भी उन्होंने क्रूशियल टाइम्स पर हासिल की, तो जैसे आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में भी एक्स्ट्रा स्पिनर आ गया है और वर्ल्ड इलेवन वेंट विद इमरान ताहिर एंड सैमुअल बद्री, सो परहैप्स स्पिनर्स का रोल है इस पिच पर। जी देखिए, उन्होंने जो आज उनको बद्री को खिलाया, पाकिस्तान ने नवाज़ को खिलाया, कल के मैच से वो काफ़ी चीज़ें कोचेस को और कैप्टन्स को पता चल गई हैं कि यहाँ पे पेस जितनी होगी उतना ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं बैट्समैन के पास। जितनी पेस ऑफ करेंगे, जितनी आप स्पिन बॉलिंग में आपके पास वेरिएशन होगी उतने ही आपके बॉलर्स आपको कम बैक करा सकते हैं, और जितनी आपके पास वेरिएशन होगी आपको विकेट लेने में आसानी होती है। तो 2020 इज़ अ गेम ऑल अबाउट वेरिएशन, जिस टीम के पास अच्छी वेरिएशन होगी they'll win the games. Fantastic. Or like looking ahead, then World 11, क्या आपकी ख्याल है, क्या फीलिंग है इस वक्त, पाकिस्तान in for a real challenge? Definitely, इंशाल्लाह ताला, I always say that कि this is a पहला बारिश का पानी का कतरा गिरा है पाकिस्तान में, ये वर्ल्ड 11 के लोग यहाँ से जाएंगे, जाके जब ये पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी अपनी बोर्ड्स को जाके बताएंगे कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल लव द गेम, पाकिस्तान इज़ द कंट्री वेयर वी कैन गो। बट आई थिंक जब हम कॉन्फिडेंस तब होगा हमें, पूरी कॉम को और पूरी दुनिया को कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम पूरे शहरों में मैच करवाने काबिल हो जाएंगे और जब हमारी एक सीरीज़ पूरी मुकम्मल होगी, दो 2020, दो तीन 2020, एक ODI, फिर एक आध टेस्ट मैच होगा, देन वी विल सिटिंग ऑन अ गुड पोजिशन। गदाफी स्टेडियम लाहौर से आपकी भी बड़ी यादें आई एम श्योर वाबस्ता हैं, और 90s में खासतौर पर जिस तरह पाकिस्तान की टीम डोमिनेट करती थी, सपोर्ट मिलता था इस वेन्यू पर, वो यादें आपकी ताज़ा हुई हैं पैक्ड हाउस देख के? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपको पता आप उधर गए थे, वकार, वसीम भाई और रमीज़ भाई वगैरह के साथ बैठे हुए थे, तो हम अपनी वी वर कैचिंग ऑल ओल्ड मेमोरीज़। कल जब हम मैच शुरू होने से पहले जब हम ग्राउंड में आए और जो कौमी तराना चला है और लोगों का जज्बा देखा है, तो हमारे गूज़बम्प्स खड़े हुए हैं, हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं। काश ये वक्त आता, क्योंकि 6 साल बाद खुद क्रिकेट देखी है वापस, तो वो कम बैक किया है वो साल जो खेला करते थे, तो आई थिंक ये बड़ी खुशी की बात है। इट्स ग्रेट टू सी पाकिस्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। हमारे जो यंग लड़के हैं इनको बड़ा हेल्प होएगी, इनको इस तरह हेल्प होगी जब ये अपने होम क्राउड के सामने खेलेंगे, और इनका जो ये कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्ट अप होगा ये इनके करियर में बड़ा इनको हेल्प करेगा, क्योंकि हीरोज़ जो बनते हैं ना, सही जो ट्रू हीरोज़ बनते हैं वो आवाम, जो आपकी कौम की आवाम होती है ना वो बनाती है। Finally, who's going to win it? Pakistan or World 11? Definitely Pakistan, because we are a Pakistan. Doesn't matter whatever happens. We are very optimistic Pakistani.
جو مرضی سچویشن ہوئی وی کین کیپ سپورٹ پاکستان پاکستان زندہ باد دی ایٹرنل آپٹیمسٹ مشتاق احمد یو ہرڈ فرام ہم اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ہی جیتے گا تھینک یو سو مچ مشتاق